नगर विकास मंत्री ने वृक्षारोपण कर ताजगंज जोनल पार्क के नजदीक जनप्रतिनिधि और अधिकारी संघ पौधे लगाए और लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की। आज वन महोत्सव के पावन अवसर पे पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य की सिद्धि की कड़ी में हम सब जिलों में जा कर के ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आगरा आने का सौभाग्य मिला और आगरा आकर तमाम हमारे माननीय विधायिका जी रानी पक्षालिका जी, माननीय विधायक धर्मेश जी, हमारे महापौर जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा जी, अन्य अधिकारीगण पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने आज यहाँ वृक्षारोपण किया है। मैंने स्वयं पीपल का वृक्ष लगाया है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं साक्षात स्वरूप होता है। उसी प्रकार अन्य भी वृक्ष लगाए गए हैं, कहीं बिल्व का पेड़ लगाया गया है, कहीं नीम का, कहीं आम का, कहीं कदम्ब का। कदम्ब पे आप जानते हैं राधा और कृष्ण की कितनी कहानियाँ हैं, कदम्ब को लेकर के भगवान कृष्ण का वास होता है। इस प्रकार हमारे प्रकृति की रक्षा करने में सहायक जो वृक्ष हैं उनका रोपण और हमारे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले भी जो वृक्ष हैं उनका भी रोपण करके हम लोग प्रकृति में की रक्षा का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हो सके उतना आप लगाएं और उनका संरक्षण करें। किसी भी कीमत पर किसी वृक्ष को कोई नुकसान न होने दें अपनी देखरेख में, अपनी जानकारी में। यही हमारी आज के अवसर पर सबसे अपील है। ज़िले में लगभग 42 लाख वृक्ष आज लगाने का संकल्प है, आने वाले दिनों में 6 लाख और लगाने का संकल्प था, लेकिन मैंने जिलाधिकारी जी को कहा है कि 48 की जगह हम 50 लाख वृक्ष लगा करके अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा काम करके दिखावें। उसी प्रकार नगर निकायों में भी 35 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य था, उससे भी ज़्यादा वृक्ष लगा करके हम लोग इस प्रकृति की संरक्षण में अपना योगदान देंगे।